हमें भीतर के आनंद को अपने चेहरे पर लाने का एक प्रयास होता है। मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती मंजू गोस्वामी जी से, जो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास हमें करवाएंगी। बहुत ही लाभकारी आसन, इसमें हमारी वज्र नाड़ी प्रभाव में आती है, जिससे हमारा शरीर वज्र की तरह मजबूत बनता है और पैरों की वेरोपेज वेन्स पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उष्ट्रासन, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधों जितना फासला, पैरों के पंजे में भी कंधों जितना फासला, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियों का रुख जमीन की ओर रहे। हाँ, हथेलियां, कंधे और कोनियां समानांतर रखें। बढ़ते हुए बहुत धीरे धीरे धड़ को यथा सामर्थ्य झुकाते जाएं। जंगा तक का भाग सीधा, श्वास सामान्य, अपने सामर्थ्य के अनुसार रुके। श्वास लेते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। धन्यवाद, बहुत अच्छा। आप अपनी बैठने की स्थिति में आ जाइए, सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाइए। आज हमारे 47 के RW के प्रेसिडेंट मिस्टर PPS नागर जी हमारे पास आ गए, तो हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लग गए, तो इसी खुशी में जोरदार तालियां हो जाएं और जोरदार तालियां इनके घर तक आवाज तो जानी चाहिए कम से कम। धन्यवाद। आसन भाग नंबर 2, निषेध। जिनके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है या हाई BP है, वो साधक इस आसन को नहीं करेंगे। वज्रासन में आ जाए। दोनों पैरों के घुटनों को अधिक से अधिक दूर तक फैलाएं। पीछे दोनों अंगूठे आपस में स्पर्श करते हुए, दोनों हाथों की हथेलियां दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को आगे की तरफ खिसकाते हुए आगे की तरफ झुकें। धीरे धीरे ठोड़ी आसन पर, दृष्टि सामने, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर। इससे क्रोध तनाव दूर होता है, जनांग और पाचन क्रिया सशक्त होती है। 10 से 30 सेकंड अवधि में अवश्य रुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास, धीरे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर, घुटने वापस। शिथिल आसन दाई तरफ, दाई टांग दाई भुजा सीधी, दाया कान आसन पर, बाई टांग बाई भुजा मुड़ी हुई, बाई टांग का घुटना अधिक से अधिक दूर, बाई टांग की एड़ी दाएं घुटने से स्पर्श करते हुए, बाएं हाथ की हथेली मुख के सामने, गहरे लंबे श्वास। इससे आदरणीय हीरालाल विष्ट जी, हीरा सिंह विष्ट जी, जो 61 सेक्टर से आए हैं, उनसे मैं अनुरोध करती हूं कि आपको वो भुजंग आसन करवाएं। भुजंग आसन, पैरों को सीधा कर लें, पेट के बल लेट जाएं,
एड़ी पंजे मिला लें, एड़ी पंजे मिला लें, पंजे खींचे हुए, दोनों भुजाएं मुड़ी हुई, धीरे धीरे गर्दन को अधिकाधिक पीछे ले जाएं, गर्दन को अधिकाधिक पीछे, श्वास भरते हुए धड़ को पेड़ू वाले भाग पर भार देते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं, पीछे से पीछे, हथेलियां आसन पर स्पर्श मात्र, श्वासें सामान्य, स्थिति स्वाभाविक, ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे, मुक्ते पूरा मेरुदंड प्रभाव में आता हुआ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले धड़ वापस, जब कंधे आसन से लग जाएं तो धीरे धीरे माथा आसन से, शिथिल आसन बाईं ओर, शरीर के बाएं अंग। श्री हीरा सिंह विष्ट जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। शलभासन के लिए श्री सतीश सिरोठा जी को आमंत्रित करती हूँ, जो हमारे बीच सेक्टर 47 से उपस्थित है। शलभासन, दोनों टांगों को मिलाएं, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे लेटे हुए, कोनिया पेट के नीचे, हाथ की हथेली जंघाओं के नीचे, थोड़ी का स्टैंड बना ले, श्वास सामान्य। अब श्वास को भरें और दोनों टांगों को ऊपर उठाने का प्रयास अधिक से अधिक करें। सभी साधक, आपका प्रयास रहे घुटने ना मुड़े। बहुत ही सुंदर आसन है, आपकी अधोगामी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, रीढ़ का निचला शोर विशेष रूप से प्रभाव में आता है। हाथ की हथेलियों से जंघाओं पे थोड़ा अतिरिक्त प्रयास कर सकते हैं, आपकी टांगे और ऊपर हो जाएगी। प्रयास रहे आपके घुटने ना मुड़े। बहुत सुंदर, सभी साधक बड़े अच्छे से कर रहे, यथासंभव रुकने का प्रयास। धीरे धीरे दोनों टांगे आसन पे ले आए, पेट के बल से पीठ के बल आ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, शरीर शिथिल शांत, किए गए आसन का प्रभाव महसूस करें। श्रीमती निरुपमा पंत जी को आवाज देती हूं कि वे हस्त पादोत्थान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ जंघाओं के आसपास, श्वास को भरते हुए पैरों और धड़ को एक साथ ऊपर उठाएं, अपने शरीर के भार को अपने नितंबों पर लाने का प्रयास, कुछ क्षण रुकने का प्रयास। पंजों से लेकर फेफड़ों तक सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ आपके शरीर पर हर्निया जैसी समस्या से मुक्ति मिलती है। इस आसन से नाभि का डिगना खत्म होता है, घुटने सीधे, पंजे खींचे हुए। खूब जोरदार लेकर भी तालियां बजाने का अभ्यास करना चाहिए ना। धन्यवाद। आगे के लिए तैयार हो जाइए। मिस्टर श्रीमान रजेश सेक्टर 48 से आए हैं और इनका जरा ज्यादा स्वागत करना क्योंकि पड़ोसी हैं। थैंक यू। सेतु बंधासन। सेतु संस्कृत में पुल को कहते हैं। पुल जैसी स्थिति शरीर की, दोनों पैर मिलाएंगे और घुटने मोड़ लेंगे, पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथों से टखने पकड़ लेंगे और श्वास भरते हुए मध्यम से शरीर को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, नाभि से सीने तक का भाग ऊपर उठाएंगे ज्यादा से ज्यादा,
हमारा सीना ठोड़ी से लग जाएगा। बहुत ही सुंदर सकारात्मक प्रभाव, कमर दर्द जैसे दोष दूर होते हैं, पाचन क्रियाएं हमारी स्वस्थ होगा। धीरे धीरे सांस निकालते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, धीरे धीरे दोनों टांगे सीधी कर लेंगे और विश्राम करेंगे। धन्यवाद राजेश जी। देखिए आप सबसे शवासन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं ग्रीवे, हथेलियां शरीर से थोड़ा सा दूर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, उंगलियां मिली हुई परंतु ढीली, आंखें कोमलता से बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शिथिल करते जाएं, शिथिल शरीर का मानसिक अवलोकन, सिर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल होता चला जा रहा है। इंद्रियां अंतर्मुखी, मन शांत, बहुत ही सुंदर आसन, हृदय रोगियों के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए और स्नायु दुर्बलता के लिए बहुत ही लाभकारी, अनिद्रा रोगों में बहुत ही लाभकारी। इस आसन को सभी लोग कर सकते हैं और बहुत ही लाभकारी। मन और मस्तिष्क के दोष दूर होते हैं। पैरों को मिला लें और दाई ओर करवट लेते हुए आराम से उठकर बैठ जाएं। मोहन जी, आपने बहुत अच्छा लोगों को आराम, रमाकांत जी, इन्होंने बहुत अच्छा आपको आराम करा दिया, इसकी बहुत जरूरत थी। तो थोड़ी जोरदार तालियां हो जाए, जोश आ जाए आपके भी थोड़ा सा। सिंहासन, पद्मासन लगाए, दोनों कलाइयों को अपने सामने जो है लगाए मिलाए, उंगलियां अपने शरीर की ओर, अब धीरे धीरे जो है लगे हुए पद्मासन में घुटनों के ऊपर आ जाएं। अब धीरे जी बाहर, श्वास के बाहर निकलने पर पेड़ों को अंदर की ओर सिकोड़ें। गले के सारे दोष दूर होते हैं, लैरिंजाइटिस, फैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस, दोनों ओर से हाथों से उंगलियों से गर्दन को ऊपर से नीचे की ओर सहलाएं, दाएं बाएं मध्य में। हंसी, अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के कारण आज का मानव बहुत त्रस्त व्यस्त और तनावग्रस्त हो गया है और हम अपनी स्वाभाविक हंसी को भूल गए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर के जो है मुक्त कंठ से जो है हंसना है। Hasti dai, hasti dai.
पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है आपके शरीर में, इम्यूनिटी डेवलप होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, इम्यूनिटी आपकी डेवलप होती है, सारे रोग को सारे पेड़ झूम रहे हैं आपके साथ साथ, सारा ब्रह्मांड जय पुलकित है। शांत सुंदर हंसी की सभी ने हंसी को अपने मुख पर बना के रखें, प्रसन्नता के भाव रखें। मन को स्वस्थ करने के लिए अब कमर को सीधा रखना है, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी अंत तक। हाथ ज्ञान मुद्रा में पहले निषेध सुन लें प्रणायाम में। जिनको श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम है वो कुंभक नहीं लगाएंगे, श्वास कहीं भी नहीं रोकेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम, दाहिने हाथ से प्राणा मुद्रा, अंगूठा दाई नासिका की तरफ, बाईं तरफ से श्वास को पूरा कंठ तक भरें, कुंभक लगाएं और नामिका से दूसरी नासिका बंद करें। यह हर बार बाईं तरफ से दोहराएं। चंद्र नाड़ी सक्रिय होती हुई शरीर में ठंडक प्रदान करती है। पित्त हर्पीस रोग से लाभ मिलता है। मन की लघु लहरियां समाप्त होती हैं। पर मुस्कुराहट बना के रखें, शांत भाव से बैठें। उज्जयी प्राणायाम, जीवा को मोड़कर तालु के साथ लगाएं, मूल बंद लगाएं, श्वास को बाहर करें, कुंभक लगाएं। अब कंठ से मधुर स्वर से मधुर कराटे से श्वास को लें और छोड़ें, हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड प्रभावित होते हुए स्वर मधुर बनता है। कमर को सीधा रखकर बैठें, प्रयास पूर्वक आंखें बंद रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट प्रसन्नता के भाव, सहज भाव से क्रिया दोहराएं। शांत सांसें संभाले करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, दाहिने हाथ से प्राणा मुद्रा, अंगूठा रखेंगे दाई तरफ, साथ की दो उंगली मोड़ लें, अंतिम अनामिका उंगली। पूरा क्रम धराते हुए वापिस आना है, हाथ को वापिस ज्ञान मुद्रा में लाना है। शांत भाव से बैठें, मन हमारा स्वस्थ हुआ। चित्त की शुद्धि के लिए कुछ क्षण के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट प्रसन्नता के भाव रखें, पूरे आनंद में से
का मानसिक जाप करें, मन ही मन में ओम का जाप करें, प्रभु का सिमरन ओम की गूंज मस्ती के चारों तरफ। अपने सांसों के पास से सांस आ रहे हैं, प्रभु का शुक्राना करें। केवल दृष्टा की बात ही निहारें, आत्मचिंतन कल की चिंतन करें। मन में शुभ संकल्प लें कि मैं सुखी रहूं, मेरा किसी के प्रति कोई ऐसा द्वेष नहीं, और शुभ संकल्प निस्वार्थ भाव से निष्काम सेवा कर लें। प्रभु मुझमें इतनी हिम्मत इतनी शक्ति दे, मैं ऐसा कार्य करूं दिन में एक बार कि मैं दूसरों की भलाई के काम आऊं, जरूरतमंद के काम आऊं। उंगलियों को हल्का सा पलकों का स्पर्श करें। मेरे से वापिस आए, धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अगर हम सुखी हैं तो विश्व सुखी है। तो इन सब के लिए जोरदार तालियां, तालियों के साथ इतनी खुशी होनी चाहिए मन को कि हमें ये अपने मन में चिंतन कर लें और आपने